हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं तकनीकी सामान। स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल में, जहां पर हम आपके लाएंगे तकनीकी जगत की कुछ चीजें जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही दबाइए उस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, जिनमें से रेडमी फोन की बहुत सी सिस्टम ऐप्स है जो कि चोरी छुपे आपका डेटा चाइनीज सर्वर को दे सकती है। इससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि ब्राउजिंग हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स और कॉल रिकॉर्ड्स का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, MI वीडियो जो उन 59 ऐप्स में से है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन करी है। अगर आप इसकी ऐप इन्फो में जाएं और यहाँ पे ऐप परमिशन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि स्टोरेज के साथ साथ आपके कॉन्टैक्ट और टेलीफोन इन्फॉर्मेशन भी ले रही है। गौर करने वाली ये बात है कि एक वीडियो ऐप का कॉन्टैक्ट और टेलीफोन इन्फॉर्मेशन से क्या लेना देना। ये ऐप्स आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, जो कि एक बहुत ही कंसर्निंग इश्यू है, बट इस इश्यू को आप बहुत ही आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं और इसका तरीका हम लाए हैं इस वीडियो में। ये तरीका बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको अपना फ़ोन भी रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको चाहिए एक कंप्यूटर और अपना रेडमी फ़ोन। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं रेडमी नोट 7S। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन एनेबल करना है। उसके लिए आप जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग में, इसमें आप जाएंगे अबाउट फ़ोन में, आप 5 बार MIUI वर्जन पर क्लिक करेंगे और आपका डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। फिर आप जाएंगे अपने फ़ोन की एडिशनल सेटिंग में, आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन में आप स्क्रॉल करेंगे नीचे और आप क्लिक करेंगे USB डीबगिंग पे। इसको एनेबल करने के बाद आपके फ़ोन का काम हो चुका है और अब आप मूव ऑन करेंगे PC पर। तो दोस्तों, अगला स्टेप है, आपको अपने PC पे आना है और इस वेबसाइट पे जाके आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है मिनिमल ABT फास्ट प्रो। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही छोटा है तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला स्टेप है, आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉन्च करना है मिनिमल ABD एंड फास्ट प्रो। तो दोस्तों, अगला स्टेप है, आपको टाइप करना है ADB डिवाइसेस। इसके बाद आपको अपने डिवाइस में USB डिबगिंग को अलाउ करना है। अगला स्टेप है, आपको टाइप करना है ADB शेल। इसके बाद आपको एक कमांड टाइप करनी है, जैसे कि हम MI वीडियो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको टाइप करना है PM अनइंस्टॉल के यूज़र 0 और ये आगे कमांड, ये हम यहाँ टाइप कर देंगे। इसके बाद आप प्रेस करेंगे एंटर और यहाँ पे दिखाएगा सक्सेस। इसका मतलब आपके फ़ोन से MI वीडियो ऐप अनइंस्टॉल हो चुकी है। इस वेबसाइट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, MI की वीडियो और MI का ब्राउज़र हमने अनइंस्टॉल कर दिया है। अगर आपको कोई और ऐप अनइंस्टॉल करनी है और उसकी कमांड आपको वेबसाइट पर नहीं मिल रही है तो आप ये बहुत एक सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं। आप लॉन्ग प्रेस करिए ऐप पे, ऐप इन्फो में जाइए, यहाँ पे IP क्लिक करिए और आपको यहाँ पे AP के नेम के आगे कमांड दिख दी जाएगी। बस आपको ये कमांड में चेंज करना है और आपकी जो भी ऐप है वो अनइंस्टॉल हो जाएगी, जैसे कि गूगल मैप्स जो कि अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आपको अपने फ़ोन में स्पेस बचाना है तो आप ये कमांड यूज़ करके गूगल मैप्स भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और कंटेंट के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।